हम आपको लेकर आए हैं कबूल है कि सेट पर, जहां सनम, निदा और आहिल के बीच एक सीन शूट हो रहा है। हाँ, तो ये हो रहा है कि ये लोग जा रहे, ये और रेहान जा रहे हैं बाहर, मुझे जलसी हो रही है कि ये क्यों जा रही है बाहर, रेहान को काम है कि ये क्यों जा रही है साथ में, तो मन ही मन ये इधर दिल में ऐसे क्यों हो रही है, समझ रहे ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एग्जैक्टली हार्ट अटैक आने वाला है। कट टू पैन, निदा कुछ करना पड़ेगा, निदा बेबी को बेबी ले रही है अपने। मेरे दिल में इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जगह है और ये मुझे थोड़ी थोड़ी दूर करना चाह रही है, क्योंकि इसकी इसकी निगाहें जो है मेरी जायदाद पर है और आगे जाके ऐसा कुछ डील क्रैक करती है, मैं शॉक में हो जाता हूँ। यू विल कम टू नो, माय गॉड, यू क्रैक डील माय मॉम, इमेजिन, मतलब सब लगे हुए हैं जायदाद को लेने के चक्कर में। जब निदा से ये पूछा गया कि वो ऐसे छुप छुप कर क्यों देख रही है, तो निदा ने बताया कि वो आहिल और सनम के एक दूसरे के करीब आने से जेलस हो रही है। ये तीनों शूटिंग में ब्रेक के वक्त आपस में काफी मस्ती करते दिखे। ये करतूते देखिए, मैं तो वैसे मुझे इतनी हंसी आती है ना जब ये ऐसा सब कुछ कर रही होती है, शी इज सच अ स्वीट हार्ट, क्या तू क्या कर रही है, कभी ऐसे मिला के पीछे चुपके ऐसे ऐसे लुक दे रही है, हंसी आती है मुझे सच में, इसमें हंसी आती है मुझे भी, कभी कभी हंसी आती है। और जब हाई वोल्टेज ड्रामा होता है तो और ही अंदर से लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, इट्स ऑल गुड। लोग मुझे सोचते हैं कि मैं एक खूंखार दरिंदा हूँ, जानवर, पर नहीं। निदा जाते जाते आहिल के हेयर स्टाइल पर अपने कमेंट्स देना नहीं भूली। वैसे मुझे इतनी अच्छी लगती है पीछे की पॉकीपाइन टाइप है, इसे थोड़ा लड़कियों को थोड़ा फैशन स्टाइल दिखाना पड़ेगा। ओह हेलो, आई एम वेरी मच फैशन अपडेटेड, बट दिस आई फील इट्स नॉट माय कपल। आई थिंक सनम ये जो मुझे असली प्यार जानती है मेरे बारे, जो सब कुछ पसंद करती है मेरे बारे में। निदा, मैं तुझे देख लूँगा।